रोजे की हालत में बाल और नाखून का काटना ये कैसा है पूरी तफसील मतलब के एक एक जुज़ आपके सामने अभी बयान करूंगा इन सबसे पहली बात आपके मसाइल और उनका हल जिल नंबर चार सफा नंबर पांच सौ पिचासी पे कुछ बातें मिलेंगी पहली बात नाखून काटने के बारे में चाहे आप हाथ के नाखून काटें या पैर के नाखून काटें रोज़े की हालत में नाखून का काटना बिला कराहत जायज है कोई हरज नहीं कोई कभात नहीं आपके रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप बिल्कुल नाखून काट सकते हैं चाहे वो मर्द हो या चाहे औरत हो मर्दों के लिए सर के बाल का, का काटना कोई हरज नहीं बिल्कुल टकला हो जाना सर के बाल बिल्कुल गायब कर दिया तब भी कोई हरज नहीं रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर के बाल की बात बता रहा हूं उसके बाद दाढ़ी में जरा तफसील है अगर एक मुश्त आपकी दाढ़ी हो गई है एक मुश्त से जो जायद बाल हैं आप उनको काट रहे हैं कोई हरज नहीं कोई कबाहत नहीं है अगर एक मुश्त आपकी दाढ़ी नहीं हुई है आप उसके बाद काट रहे हैं या फिर दाढ़ी अभी छोटी छोटी है उग रही है आप उसको काट रहे हैं सपाचट कर रहे हैं आप उसको जो है तराश रहे हैं ऐसी सूरत में आपका रोज़ा मकरू होगा क्यों इसलिए के दाढ़ी का एक मुश्त से कम कर देना या दाढ़ी उगने के बाद उसको छील देना तराश देना ये गुनाह है रोजे की हालत में गुनाह का करना यह रोजे को मकरू कर देता है इसीलिए यह मकरू होगा लेकिन रोजा नहीं टूटेगा इससे भी रोजा नहीं टूटेगा रोजे के जहाँ तक टूटने की बात है लेकिन मकरू जरूर हो जाएगा वो भी सख्त मकरू हो जाएगा इसी तरह मोछ है मुझ के बाल हैं इसके लिए भी मर्दों के लिए काटना बिल्कुल जायज है रोजे की हालत में रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके साथ बगल के बाल हैं मर्दों के लिए हो या औरतों के लिए रोजे की हालत में काटना बिल्कुल जायज है कोई हर्ज नहीं कोई कबाहत नहीं है अब उसके बाद जेर नाफ के बाल जेर नाफ के बाल भी रोजे की हालत में काटने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका रोजा बिल्कुल दुरुस्त है कोई हर्ज नहीं रोजा नहीं टूटेगा लेकिन एक समझने की बात आपको मैं बता देता हूं, ज़रा समझिए इसको ज़रा गौर करिए रोजे की हालत में अगर कोई मुश्त जनी कर लेता है तो उसका रोज़ा टूट जाता है रोजे की हालत में शहवत के साथ जोश के साथ सरम को छू लिया उसके बाद उससे मनी खारिज हो गई अब उसका रोजा टूट गया रोजा फासिद हो गया अगर इंजाल हो जाए इंजाल नहीं हो तो अलग बात है अगर इंजाल हो जाए तो रोजा फासिद हो गया अब जो रोज़े की हालत में जेर नाफ़ के बाल शर्मगाह के बाल साफ़ करेंगे हो सकता है कि शहवत भड़क जाए उससे जो है आदमी गुनाह की तरफ मुलविस हो जाए या हो सकता है कि हाथ लगने की वजह से जो है इंजाल हो जाए शहवत के साथ शहवत के साथ इंजाल हो जाए इससे रोज़ा उसका टूट जाएगा इसीलिए एहतियात ये है कि आदमी रोज़े की हालत में ज़ेर नाफ़ के बाल साफ न करे लेकिन करेगा तो रोज़ा नहीं टूटेगा अगर इंजाल हो एक अलग बात है वो तो एहतियात की बात मैं बता रहा हूं लेकिन अगर कोई इस तरह साफ करता है या करती है इससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेहतर यह है कि आदमी रात में साफ़ कर ले रमज़ान में क्योंकि वजह में बता चुका हूं मैं क्यों बोल रहा हूं इसको समझिएगा ज़रा बहुत बहुत गहरी बात है ये उसके साथ साथ जो आदमी मना करते हैं मतलब आम हालत में भी कहते हैं रोज़े की हालत में बाल नाखून मत काटो उनको एक धोखा लगा है इस वजह से वो मना करते हैं क्या धोखा लगा है वो ये कहते हैं जिस्म के एक एक जुज का रोज़ा होता है बाल के भी रोजे होते हैं नाखून के भी रोज़े होते हैं अब इनको हम काट देंगे तो बेहतर नहीं है क्योंकि एक एक जुज में रोज़ा है हमारा उनको धोखा लगा है मैं पूछना चाहता हूं कि अगर यही बात है तो फिर पेशाब क्यों करते हैं पेशाब भी तो आपके जिस्म का हिस्सा है उससे बढ़कर एक और चीज़ याद आ गई मुझे मैं वो बता देता हूँ अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में पछना लगाया करते थे खून जो हजामत का जो जो हजामा जिसको कहते हैं खून निकालना पछना लगा कर बीमारी का खून निकालना अल्लाह के रसूल रोज़े की हालत में लगाया करते थे इससे खून निकालते थे तो पता चला वो भी तो मकर होना चाहिए क्यों इसलिए कि खून जिस्म का हिस्सा है वो जिस्म से जुदा हो रहा है अगर यही वजह है जो आप बता रहे हैं पता चला ये वजह बेबुनियाद है इसकी कोई हकीकत नहीं है ये समझना जो आप समझ रहे हैं कि एक एक जुज्म रोज़ाया हम इसलिए नहीं काट सकते ये दलील ही गलत है ये बात ही गलत है जब बात गलत है तो फिर मैंने वाजे तौर पे सही बात क्या है वो आपके सामने बयान कर दिया है अब इन पूरे मसाइल आप समझ गए होंगे ज़रूर बताएं कमेंट्स के ज़रिया, या न समझ पाएं तो कमेंट्स में पूछें से पूछें अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तमाम को सही मसला समझने की तोफ़ी क़ा फरमाए आमीन रब्बल आलमीन यम ए आर बी दीनी मालूमा चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी हर वीडियो आप अपने चैनल में डाल सकते हैं मीज़ हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ एड लिख मेरे व्हाट्सअप नंबर एट को मैसेज करें